हम जो कुछ सोचते हैं निरंतर सोच रहे हैं ना आप अपने मन से हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है इसका हिंदी हमारे हर संकल्प में निर्माण शक्ति है रचनात्मक शक्ति है इसलिए आज से आप एक संकल्प करें हमें वही सोचना है जो हम चाहते हैं वो नहीं सोचना है जो हम नहीं चाहते मान लो आप किसी गेम में लगे हुए हैं और आपको सफलता नहीं मिली है चार बार और आपने सोचना शुरू कर दिया लगता है मुझे सफलता तो नहीं मिलेगी लगता है मेरे भाग्य में सफलता है ही नहीं पता नहीं मेरा कैरियर कैसा होगा तो क्या होगा क्या होगा वही आप क्रिएट करेंगे और अगर आपने ये संकल्प कर दिया सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मुझे नहीं सफलता मिलेगी तो और किसे मिलेगी मैं भगवान का बच्चा हूं मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो क्या शैतान के बच्चों को मिलेगी सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी इसलिए मैंने आपको जो पहली बात बताई थी अब मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल उसका यूज बता रहा हूं और आप रोज करेंगे उसे जैसे ही सवेरे आंख खुले देखो जब हम आंख खोलते हैं तो हमारे पास दस मिनट जीवन का रोज का दस मिनट सबसे महत्व का समय होता है इसे आज आप पहचाने ये दस मिनट भाग्य निर्माता होते हैं हमारे लिए क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा अंतर मन हिंदी में इसे और शब्द भी देते हैं अवचेतन मन जगह होता है उस समय जो संकल्प हम करेंगे जो विजन हम बनाएंगे वही होगा लेकिन इसमें जरूरत एक ही बात की है आप इस बात को भी नहीं भूलना जीवन में अपने में संपूर्ण विश्वास अब मान लो ओलंपिक हो रहा है और आपको भी उसमें मौका मिल रहा है हिस्सा लेने का अब देखिए टफ कंपटीशन होता है हर मनुष्य ये सोचता जरूर है पता नहीं कोई मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा या नहीं डबल माइंड चलता है कभी सोचता है मिलेगा कभी सोचता है मन नहीं मिलेगा पता नहीं क्या होगा अब आप एक विचार कर दो मन में सवेरे उठकर सात बार संकल्प करना जो बच्चे बैठे हैं वो अच्छी तरह सीख लें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं अभी सबसे परिचित हो गए ना सभी भगवान सर्वशक्तिवान हम उसके बच्चे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है सात बार करेंगे रोज किसी भी बात को लेकर जिसमें आप सफलता चाहते हैं कम से कम सात दिन तक और सात बार रोज आंख खुलते ही ये अभ्यास करेंगे सफलता के आप समीप होते जाएंगे लेकिन ध्यान रखेंगे ये संकल्प अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा काम करते हैं चार बजे सबसे ज्यादा फिर पाँच बजे छः बजे तक कोई सोचे मैं तो सो के दस बजे उठाऊँ, अभी भी कर लूँ? उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा क्योंकि प्रकृति में बहुत कुछ चालू हो गया है सवेरे प्रकृति शांत थी हमारा मन भी बहुत शांत था और कोई सो के ही दस बजे उठे तो बाहर चार ओर के वातावरण को हम जानते हैं ना कैसा हो जाता है सवेरे का माहौल और दस बजे का माहौल दोनों में अंतर होता है दूसरी एक चीज़ करेंगे आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देना अभी से फाइनल जहां आपको अच्छा मौका मिले भविष्य में तब तक करना कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मैं वहां हूं और मुझे गोल्ड मेडल दिया जा रहा है बिल्कुल ये सीन देखना विजन इसको कहते हैं लेकिन फिर मैं कह रहा हूं संपूर्ण विश्वास के साथ अगर मन में जरा भी डाउट होगा तो गोल्ड मेडल दूसरे को चला जाएगा यह भूलना नहीं है इसलिए केवल एक ही थोट ये गोल्ड मेडल मेरा है और सवेरे उठ के सात बार संकल्प करना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता पे आप अपना अधिकार फील करने लगे इन संकल्पों को विदाई दे दें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं पता नहीं क्या होगा बहुत टफ कंपटीशन है जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको पिछली बार पिछले साल हमारी पहचान का जो हमारे आने वाला एक युवा वो आई का कंपटीशन दे रहा था उसने मुझे फोन किया और कहा मुझे तो डर लग रहा है बहुत मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है मैंने पूछा क्या बात है कहा लाखों स्टूडेंट्स कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं उसमें से 400 का सिलेक्शन होगा मेरा नंबर कहाँ आएगा यह विचार उसके मन में बार बार निराशा ला रहे थे बहुतों के युवकों के मन में होता है ना लाखों बैठे हैं कंपटीशन में 400 का सिलेक्शन मुझे कौन पूछेगा मैं तो वैसे भी गरीब हूं कौन पूछता है गरीबों को आजकल मैंने उसे कहा तुम इसके बजाय यह भी तो सोच सकते हो कि लाखों कैंडिडेट बैठे हैं कंपटीशन में 400 का सिलेक्शन होगा उसमें एक नाम मेरा भी है मैंने पूछा ये सोचने में तुम्हारा कुछ खर्च होता है क्या नहीं खर्च तो नहीं होता क्यों नहीं सोचते मेहनत भी कर रहे हैं कोचिंग कर रहे हैं लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं सबको पता है कि इनका लड़का ई ए में बैठ रहा है और तुम पहले से ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हो गलती हो रही या नहीं ऐसे कई युवक अपनी हार पहले ही लिख लेते हैं हमारा नंबर नहीं आएगा आज का एक सुंदर समाचार सुनाता हूँ बॉम्बे की एक लड़की उसकी माँ ने मुझे फोन कराया कुछ समय पहले सी ए का एंट्रेंस एग्जाम दे रही है वो भी टफ कर दिया है क्योंकि सब कॉमर्स वाले सी ए में जाना चाहते हैं तो उसने भी मेरे से पूछा अब इतने लोग बैठेंगे मेरा सिलेक्शन होगा क्या मैंने उसे कहा तुम चाहोगी तो अवश्य होगा कहा मैं तो चाहती हूं मैंने कहा नहीं ऐसे चाहने से काम नहीं चलता अपने संकल्पों को पावरफुल करो कि मेरा सिलेक्शन निश्चित है तो आज ही मुझे उसका फ़ोन मिला उसकी माँ ने फोन किया कि लो मेरी लड़की से बात करो कहा मेरे तो पेपर इतने अच्छे नहीं भी हुए थे लेकिन हमारे सारे इलाके में से कई हजार स्टूडेंट बैठे थे और सेलेक्ट हुई हूँ केवल मैं एक बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मेरे पास हैं कल ही मुझे एक दूसरा फोन कॉल आया एक ने बताया मेरे से पूछा था पहले कि उसको लेक्चरारशिप के लिए उसने इंटरव्यू दिया है उसने भी यही कहा कि बहुत सारे आए हुए हैं एप्लीकेशंस इंटरव्यू में भी बहुतों को कॉल किया गया है पता नहीं मेरा होगा या नहीं मैंने उसे कहा नहीं बिल्कुल ये संकल्प कर दो मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ एन्जॉय करो सवेरे उठते इसको एन्जॉय करना समझना इस बात को जो एन्जॉयमेंट सेलेक्शन के बाद होगा वो एन्जॉयमेंट अभी ही करो और कल उसका फोन मुझे आया कि के केवल मेरा सिलेक्शन हुआ मेरा इंटरव्यू सुंदर भी नहीं हुआ था मुझे उम्मीद भी नहीं थी फिर भी मैं सोचती थी कि होगा तो कल मंडे को उसको ज्वाइन करना है तो हमारे संकल्पों में बहुत पावर है सारी शक्तियां एक तरफ और हमारे मन के संकल्पों की शक्ति दूसरी ओर हो विजय मन की शक्ति की ज्यादा होगी इसलिए सभी अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसको हम क्रिएट करेंगे इसलिए सभी बड़े छोटे अपने मन के विचारों को बहुत शक्तिशाली बनाएं मैं आपको कह रहा था सवेरे के दस मिनट हमारे लिए सबसे सुंदर समय होता है जीवन का और भी फील्ड है आपके सामने आपका व्यक्तिगत जीवन भी है आपका परिवार है आपके बच्चे भी हैं उन सब के बारे में भी आपको संकल्प होते हैं चिंता भी होती है आप उन्हें बहुत अच्छा देखना चाहते हैं तो अपने अपने घरों में आप ये एक सिस्टम चालू कर दो कि सभी सवेरे उठकर पहले दस मिनट में सुंदर विचार करेंगे बच्चों को भी सिखा दो देखो छोटे बच्चों की बात मैं आपको सुनाऊं जो छोटे बैठे हैं यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो एक छोटी सी चीज का प्रयोग करें मैं बहुत छोटे बच्चों से भी कराया है जैसे यहाँ खुले छोटे दो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं दोनों पक्का कर लेना इनकी माता इनको पक्का कराएं जैसे ही आंख खुले आ इधर वाले बैठे आप सब भी ध्यान से सुनो आंख खुले आंख खुलते ही सोचना मैं बुद्धिमान हूं और देखना आपकी बुद्धि का विकास होने लगेगा बुद्धि सबके पास बहुत सुंदर है लेकिन कई केंद्र ब्लॉक हो गए बंद हो गए हैं इसलिए कोई कहता है मेरे को सब कुछ याद रहता है कोई कहता है बहुत रटना पड़ता है तब याद होता है कोई कहता है बहुत रटने के बाद भी भूल जाते हैं हम तो बुद्धि सबके पास है लेकिन कहीं कहीं ब्लॉकेज हो गया उसमें कई चीजें बंद हो गई हैं आप सवेरे उठते तीन बार याद करना मैं बुद्धिमान हूं मैं बुद्धिमान हूं समझ रहे हैं ना बच्चे मैं एकाग्र चित्त हूं एकाग्र चित्त यानी मेरी कंसंट्रेशन परफेक्ट है मैं बहुत चरित्रवान हूं सभी जो बड़े बैठे हैं सवेरे उठते ही तीन संकल्प करना न भूलना पहला संकल्प तीन से पहला संकल्प अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग रोज आप अपने परम पिता से शिव बाबा से मन से जुड़ेंगे उठते ही उसे गुड मॉर्निंग करो आपको लगने लगेगा भगवान तक हमारी गुड मॉर्निंग पहुंच रही है हम उसे जुड़ते जा रहे हैं वो आपकी गुड मॉर्निंग को रेस्पॉन्स करेगा आपको भी आवाज आएगी वो भी कह रहा है गुड मॉर्निंग मेरे मीठे बच्चे बी हैप्पी बहुत अच्छे अनुभव होंगे तीन संकल्प करेंगे उसके बाद मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं भूल से भी उठते ही ना सोच लेना इधर हाथ लगा के मेरा भाग्य बड़ा खराब है अगर यह आपने सोच लिया तो बना हुआ भाग्य गया उठते ही देखो मैं माताओं को कहा करता हूँ बहुत माताएं हमारी सभाओं में होती हैं जब मैं हाथ उठवाता हूँ अभी एक जगह माताओं की सभा थी एक हज़ार मैंने पूछा घुटनों में दर्द किस किस को है 600 ने हाथ उठाया 600 सौ एक हज़ार में से छः सौ सिक्सटी परसेंट मैंने कहा तो तुम एक गलती करती हो जैसे ही आँख खुलेगी तो पैर तो नीचे उतारेंगे ना बैठ से और घुटने दुखेंगे तो एकदम कह हाय बहुत दर्द है घुटनों में तो उठते ही दर्द का आह्वान हो गया पहला संकल्प हुआ घुटनों में बहुत दर्द है मैं उन सबको सिखाता हूँ अपने हाथ घुटनों पर रखो और इन्हें कहो दर्द भागो उठते ही भगा दो उसको थोड़े दिन में भाग जाता है ये बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है मैंने कराई है लोगों को ये जादू नहीं है संकल्प शक्ति का प्रभाव है उठते ही संकल्प करना मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं बल्कि ऐसे सोचना मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं निकलेगी आवाज मन से या नहीं, नहीं। जिनका बाप ही भाग्य विधाता हो भाग्य विधाता है ना परम विधा तो उनके बच्चों के भाग्य की कमी कैसे होगी दूसरा विचार करना मैं बहुत सुखी हूं बहुत सुखी हूं हमारे शिव बाबा ने हमें सब कुछ दिया है हमेशा मन से यह आवाज निकले मुझे शिव बाबा ने सब कुछ दिया है सदा रोने ना रोते रहना <coughs> क्या रोते हैं लोग बच्चों को पढ़ाओ अरे भाई कहाँ पैसा ही नहीं है कहाँ पढ़ाएंगे हम तो भाई ये काम कर लो अरे भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है तो क्या हो जाता है <coughs> बार बार सोचते ना पैसा नहीं है पैसा नहीं है तो नहीं है क्रिएट करते हैं ना हमारे संकल्प उठते ही संकल्प करना मैं बहुत भाग्यवान हूं मैं बहुत सुखी हूं मैं बहुत धनवान हूं सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं बहुत खुश हूँ पांच संकल्प कर लो तीन के बजाय मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं आप रोज सवेरे उठ के खुले मन से ये संकल्प कर देना पांच पांच बार आपका सोया हुआ भाग्य भी जग जाएगा धन संपत्ति की कमी है वहां पर आने लगेगी क्योंकि वो सब हमारे संकल्पों की देन है मैं आपको इसका रहस्य भी बता देता हूं कैसे होता है ये काम ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि यह शायद कल्पना है ये सत्य है देखो आप सब में से जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो जानते हैं पानी किन दो चीजों से मिलके बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नमक सोडियम एंड क्लोराइड दो चीजों से तो इस प्रकृति में ये जो प्रकृति है दो चीज मिलकर तीसरी बन रही है सब चीजें ऐसे ही बन रही हैं हम ये संसार का खेल कैसे चल रहा है बहुत ध्यान से सुन लेना ये बहुत गहरा रहस्य है जो इस संसार में लोग जानते नहीं इस पर कोई सोचता नहीं है ये संसार का खेल कैसे चल रहा है घटनाएं हो रही हैं दुर्घटनाएं हो रही हैं कोई बिना मेहनत के बहुत धनवान बन रहे हैं यद्यपि इसमें उनके कर्म भी जिम्मेदार हैं जो कुछ हम सोचते हैं उसकी तरंगें चारों ओर फैलती हैं उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं चारों ओर वो जाते हैं प्रकृति में प्रकृति से रिएक्शन होता है और वही चीजें कई गुना होकर हमारे पास आ जाती हैं ये सिद्धांत है कोई मनुष्य सोच रहा है मैं तो गरीब हूं उसने सारा दिन में दस बार सोच लिया मैं तो गरीब हूं तो ये वाइब्रेशंस प्रकृति में गए रिएक्शन हुआ गरीबी वापिस आ गई आपने सोचा मैं बहुत धनवान हूं और मेरे जैसा धनवान कोई नहीं ये वाइब्रेशंस प्रकृति में गए रिएक्शन हुआ धन आ गए आपके पास ये गति है ये बहुत गहरा सिद्धांत है इसलिए जो विचार हम बार बार करेंगे उसका हम आह्वान करते हैं इसलिए माताएं बैठी हैं अपने बच्चों को गलत नाम ना दे देना बच्चे थोड़े चंचल होते हैं ना एक माता ने अपने बच्चे का नाम रखा बिच्छू <laughs> मैं उनके घर गया तो कहा मेरे इस बिच्छू को भी ठीक करके जाओ बिच्छू बेचारा माँ से लिपट गया छोटा छ सात साल का मैंने कहा इसका कुछ नाम तो होगा नहीं ये बिच्छू है मुझे काटता रहता है मैंने कहा नहीं इसका नाम बदलो आज से हंस रखो उसने कहा अच्छा आज से मैं इसे हंस कहूँगी और दूसरी बार जब मैं उनके घर में गया एक साल में तो बच्चा सचमुच हंस था एक ने अपने बच्चे का नाम रखा था शैतान वो बाहर खेल रहा था कहा मेरे शैतान बच्चे को भी सुधारने की विधि बताओ मैंने कहा कहाँ है तुम्हारा बच्चा उसने जंगले से आवाज़ दी ए शैतान वो खेल रहे थे शैतान आ गया भाग के उसका नाम ही शैतान था <laughs> तो मैंने कहा इसका नाम देवता रखो आज से वो भी बदल गया तो अपने बच्चों को अगर आप ऐसे नाम देते हैं बार बार उसे बुलाएंगे ना बिच्छू ए बिच्छू ए बिच्छू तो वो काटेगा ही ना बिच्छू बनेगा वो काटेगा इसलिए अपनी भाषा भी बहुत सुंदर बोलनी है और अपने परिवार के लिए दृष्टि भी बहुत अच्छी रखनी अपने बच्चों को देखो ऐसे तो सभी अपने बच्चों को प्यार से देखते हैं लेकिन आप अपने बच्चों को देखना इस नजर से ये देव कुल की महान आत्माएं हैं ये हमारे कुल का नाम रोशन करेंगे ये जिस फील्ड में भी जाएंगे शिखर पर पहुंचेंगे ये बहुत अच्छी आत्माएं शिव बाबा ने हमारे घर में भेजी हैं रोज दो दो बार ये विचार करना तो आपके ये सुंदर वाइब्रेशंस बच्चों पर जाएंगे और उनको वैसा ही बना देंगे अगर मां सोच रही है लगता है ये बच्चा तो बड़ा होकर मुझे घर से निकाल देगा तो समझ लो वो घर से निकलने की तैयारी कर रही है तो गलत संकल्प अपने मन में नहीं करना है। समझ गए ना मैं ये हंसी खुशी की बात इसलिए सुनाई आपको याद रहेंगी हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हम बहुत शक्तिशाली हैं अपनी शक्तियों में संपूर्ण विश्वास जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका हम निर्माण करेंगे और कभी भी जीवन में निराशा नहीं निराशा का हमारे जीवन से कोई नाता नहीं चाहे हम बार हार मान जाए हार हमें हरा नहीं पाएगी हर हार हमें जीत की ओर ले चलेगी ये संकल्प दृढ़ अपने मन में रख लेना